लक्सर से खबर है, जहां देवशाम लक्सर रायसी मार्ग पर बाइक सवार युवक तेज गति से जा रहे अज्ञात वाहन से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि लक्सर क्षेत्र के दरगापुर गांव निवासी प्रवेश देवशाम अपनी पत्नी को मायके छोड़कर घर लौट रहा था। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। पौड़ी के नयाब घाटी फेस्टिवल में राफ्टिंग और फिश एंगलिंग का पर्यटक और खेल प्रेमी जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। महाशिव मछली को पकड़कर वापस से इसे गंगा नदी में छोड़कर फिश एंगलिंग करते हुए महाशिव मछली के संरक्षण का संदेश भी दिया। वही राफ्टिंग में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी और CDO पौड़ी ने हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग दल को रवाना किया। बागी गांव में आयोजित हो रहे नयाब घाटी फेस्टिवल का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, जिससे आने वाले समय पर इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधि बढ़ सके और इसे पूरे क्षेत्र के दिन बहुला सके। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उसी बात है सर, जब यहाँ एंगलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। ये जो ऊपर मेन नयार घाटी, इसमें मानसून टाइम पर जो मछली अपनी रेडिंग करने के लिए नयार पे जाती हैं ऊपर, और दो तीन मानसून टाइम जुलाई अगस्त में यहाँ जाके बच्चे अंडे दे के डाल के वापस आते हैं। तो सितंबर में हमारा जो फिशिंग होता है, एंगलिंग का सबसे बेहतर टाइम होता है फिशिंग का। तो सितंबर में जो देश विदेश से लोग आते हैं, और सब 5-7 भयंकर रोजगार लग जाता है उसमें। हमारे मासीर जाति सबसे सीनियर जाति मछली मासीर है, तो ये गंगा में से नयार घाटी के ऊपर जाती हैं, वहाँ बच्चे अंडे देने के बाद रिलीज करते हैं। तो जो यहाँ की जो सन 1988 में एक मूवी बनी थी कास्टिंग स्पोर्ट वो, उसमें सुपर दो मेरे हीरो थे, ब्रिटिश गोरे थे, उनके साथ मेरी मूवी बनी थी। मैं सुरेंद्र कुमार विलेज बाई जी का फिशिंग गाइड हूँ। मेरे को 35 साल हो गए सर इस गाइड को काम करते करते। तो जब ये एंगलिंग का काम होता है, पोल्यूशन काम होता है, 5-7 भाई गरीब आदमी का सारा रोजगार लग जाता है। तो इसमें हमारा सबसे अच्छा है कि माँ से बचा के रखिए, सब भाइयों का रोजगार लग जाता है। उसमें मेन है कि जो एंगलर्स हैं वो अपने डेस्टिनेशंस पे चले गए हैं, जो भी रिवर्स पे एंगलिंग करने के लिए। और इसके अलावा हमारा आज राफ्टिंग का प्रोग्राम है, जो कि अभी 11 बजे उत्तरासू से उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और यहाँ ये व्यास घाट पे उसका समापन होगा। इसके बाद हम जो हमारा जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे जो भी गांव के ग्रामीण लोग हैं या अन्य टूरिस्ट आते हैं, उनके अट्रैक्शन के लिए हमारे पास में हॉट एयर बैलून है। जो भी उसमें हॉट एयर बैलून का उपयोग करना चाहता है, उससे इस प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेना चाहता है, वो आराम से उसमें ले सकते हैं। और फिर शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे, और कल हमारा साइकिलिंग का प्रोग्राम है, जो कि बिलखेत से व्यास घाट तक रहेगा। और उससे पहले हम लोग 6:30 बजे ट्रैकिंग पे जाएंगे, डाडा नागराजा से लेके वापस हम व्यास घाट आएंगे। तो ये हमारा ट्रैकिंग का कल का प्रोग्राम है। और उसके बाद जो दिन में समापन समारोह होगा, जिसमें कि विभिन्न जो प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, उनको मोमेंटोज और पुरस्कार वितरण किए जाएंगे।